स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सरसाइज पीछे की इसलिए छुड़वाई हैं कि क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है और ये वो सारे एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे स्कूलों में अपने कर चुके हैं, जिसमें बेसिक बातें बताई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट से शुरू करते हैं। 2.6 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर होता है हाफ के, यानी ये वाली वैल्यूज पावर्स में जाती हैं। 3 बराबर होता है 1/3 के, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बराबर होता है 1/4 के, और इस तरह से चलता जाता है। ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 3 9 9 3 27, यानी 1 2 3, 3 की पावर क्या आई? 3। ये सारा रफ वर्क है, कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, ये 3 बचा, जो क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 4 और स्क्वायर रूट में आएगा 625। अगर आप लोगों को ओरली याद नहीं है 625 किसका रूट है, तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, 5 से जाएगा। 5 1 5, 1 यहाँ पर गया इसका, 5 2 10, 2 यहाँ पे गया, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 and 5 1, यानी कि 1 2 3 4, 5 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स 5 आ रहा है। ये तो 5 का 4 आ गया, ये वाला कहाँ जाएगा? क्योंकि बताया था मैंने भी इसके बराबर होता है ये, इस 4 से 4 कैंसिल और ये हो गया 5 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ये, स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ये, तो ये बराबर होगा 1/8 के, लेकिन ये 1/8 दोनों पे अप्लाई होगा, इस पर भी होगा इस पर भी होगा। और अब क्या होगा? 8 से 8 कैंसिल, इस 8 से 8 कैंसिल, ए और बी, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 और 7। ये वाला 2 दोनों पर अप्लाई हो रहा है ना, दोनों पर अप्लाई कर देंगे। और इस वाले रूट का मतलब क्या है? 1/2, ये भी दोनों पर अप्लाई हो रहा है। कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल क्यों हो रहा है पता? ऐसे 5/7 इसका हो गया आंसर। मैं कुछ क्वेश्चन बीच में से क्विट करवाऊंगी, कि इतना लंबा टाइम नहीं है वीडियो के लिए, तो जो मुश्किल क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये वाला करते हैं 13, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर वो अप्रूव नहीं हो सकती, और आगे वीडियो मैं तभी बना सकती हूँ जब आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना फिर मैं नहीं कर सकती।